नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पिछले वीडियो का जो निबंध रह गया था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिल्ली दरबार दर्पण इस निबंध में 101 तोहफों की सलामी हुई थी और महारानी विक्टोरिया रानी को जो राज राजेश्वरी यह जो पदवी उस समारंभ में अर्पण की थी या उस पदवी से नवाजा गया था, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका था। आगे अब वायसराय पदवी समारंभ में आगे भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, हम भाषण ही कहेंगे उसे, जिनके खड़े होते ही सामने चबूतरे पर बैठे हुए जो राजा महाराजा लोग थे वह भी खड़े हो जाते हैं। श्रीयुत उन्हें बड़े आदर से और दोनों हाथों को जोड़कर हिंदुस्तानी रीति से, यानी हाथ जोड़कर सबको बैठ जाने की आज्ञा देते हैं। और श्रीयुत का काम, जिसे हमारी छाती दुगनी हो जाती है, अर्थात लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य किया है कि श्रीयुत हिंदुस्तानी लोगों को भावनात्मक रूप से जो लोगों को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, यानी हिंदुस्तानी तरीके से नमस्कार करने से हमारे लोग भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाएंगे, इसी से हमारी छाती जो दुगनी हो जाती है और हम वहाँ पर उनका जो नमस्कार है वह स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेज़ी अखबार वालों को यह बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कि यह हिंदुस्तानी लोगों की तरह नमस्कार इन्होंने किया है। वायसराय ने उत्तम जो एड्रेस यह शब्द प्रयोग किया है लेखक ने वह पढ़ा, वह इस तरह था। हालांकि यह जो निबंध है, लेखक ने जैसे इतने सूक्ष्म रूप से इसका वर्णन किया है, जिसको पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए, और लेखक के हर एक पंक्ति में व्यंग्य छुपा हुआ है, जिसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। उसमें इस तरह है कि सन 1858 ईस्वी की नवंबर, यानी 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तियार जारी हुआ था, जिसमें रईस और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसे आज तक लोग प्रमाण मानते हैं या प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा महारानी की ओर से हुई थी, जिन्होंने आज तक अपनी बातों को नहीं तोड़ा। 18 बरस की उन्नति उनको सत्य साबित करती है। यह शब्द लेखक के नहीं है, वह शब्द है वायसराय के। वायसराय के मुंह से लेखक यह हमें बताना चाहते हैं कि यह भारी समागम भी उनके उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण था, यानी उनके यानी महारानी के। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न रूप से भोगते आए हैं और जिनके कारण या जिनको अपने उचित लाभों की सदा रक्षा होनी चाहिए ऐसा लगता है, उनकी रक्षा होती है, उसके लिए सरकार का जो भाग है या सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे भी रहेगा, ऐसा वायसराय कहते हैं। और हम लोग इस समय श्रीमती जो महारानी विक्टोरिया राज राजेश्वरी के पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं, ऐसा वायसराय कह रहे हैं। वायसराय आगे यह भी कहते हैं कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने भी देश है, अर्थात अंग्रेज सरकार के अधीनस्थ जितने भी देश है, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, यानी इतना उनका राज्य है या इतना उनका शासन पृथ्वी पर यानी इस विश्व में फैला हुआ है, जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे जो देश पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखती। अर्थात यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हिंदुस्तानी लोगों पर जिस तरह कृपा दृष्टि उनकी हो रही है, उस तरह कृपा दृष्टि उनकी किसी और देश के लिए नहीं होती, ऐसा वायसराय अपने महारानी की प्रशंसा करने के लिए कह रही है। आगे लेखक ने कहा कि वायसराय के द्वारा श्रीमती राजरानी विक्टोरिया रानी और उनके फैले साम्राज्य की प्रशंसा वे करते हैं, जिसमें वह अपना अधिक ध्यान जो हिंदुस्तान पर देती है, यह स्पष्ट होता
होता है। देशी और अंग्रेजी प्रजा ने जो कठिन जो समय एक साथ मिलकर निकाला है, उनका भी यहाँ पर लेखक ने या वायसराय ने यहाँ पर स्वागत किया है। और आज के इस शुभ अवसर पर, यानी इस पदवी समारंभ के शुभ अवसर पर, लेखक वायसराय के द्वारा कहना चाहते हैं कि इस पदवी समारंभ में उपस्थित लोगों की प्रशंसा होती है। महारानी अपने पैतृक धन की रक्षा करना जानती है। अंग्रेजी सरकार को राजसी घरानों की श्रेणियाँ, जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति के लिए ईश्वर ने यहाँ देश में, यानी अंग्रेज राज को यहाँ भेजा है, ऐसा कहा है। यहाँ पर एक बात मुख्य रूप से स्पष्ट करने जैसी है कि वायसराय यहाँ अपनी महारानी की प्रशंसा तो करते हैं, साथ में यह भी कहते कि देश की उन्नति अंग्रेज सरकार ही के द्वारा ही होने वाली है, क्योंकि ईश्वर ने उनको यहाँ खुद भेजा है। पश्चिमी देशों की उन्नति उनके आपसी झगड़ों के कारण नहीं हो सकी। निर्बल गरीब लोगों को वह शिकार बना रहे थे, शिकार हो रहे थे। बलवान अपने मद में मस्त थे। आजकल ऐसी राजनीति के कारण सब जाति धर्म की समान रक्षा महारानी करना जानती है। यानी महारानी ने यहाँ यह भी बात स्पष्ट की कि वह लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनके मतानुसार उनका सम्मान करना जानती है, उनका सम्मान करती है। और उनका अधिकार, राजराजेश्वरी किसका भी अधिकार यहाँ मिटाने के लिए आई नहीं है, बल्कि उनका या उनकी धर्म की रक्षा करने के लिए आई है। अर्थात अंग्रेजी राज के फल प्रत्यक्ष देखने मिलते हैं, ऐसा वायसराय कह रहे हैं। आगे वायसराय ने देश के राजकर्ता, प्रजा, राजाओं, रईसों, अधिकारियों को उद्देशित करते हुए कहा है कि इनके कामों की प्रशंसा की है। अंग्रेज सरकार के स्वामी की सेवा तन मन अर्पण करके करनी होगी या की है, ऐसा कहा है। हिंदुस्तान के सूक्ष्म कामों को सूक्ष्म रूप से उन्होंने किया है। अर्थात राज्य का उत्तम भाग की प्रजा जो सरकार की सेवा निज की योग्यता के लिए वहाँ पर पदों की नियुक्ति की है। स्टार ऑफ इंडिया के पदों पर नए पदों का निर्माण किया गया है। आगे अंग्रेजी और हिंदुस्तानी सेना की बहादुरी की प्रशंसा भी उन्होंने की है, जिनको अमन और चैन बनाए रखने पर उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। आज जो बड़े बड़े लोग, यानी अर्थात यहाँ पर जिन्होंने गुलामी कबूल की है, उनका भी धन्यवाद किया है। यानी अमन और चैन जिन्होंने बनाए रखने के लिए कोशिश की है या गुलामी कबूल किए हैं, ऐसे लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है। इसके बाद आज जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें श्रीमती राजरानी पर भरोसा है, इसलिए वह इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, ऐसा वायसराय कहते हैं। आगे हिंदुस्तानी प्रजा को उद्देशित करते हुए यहाँ कहा है कि आप चाहे जिस जाति, धर्म और विचार के हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध के रूप में या प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेज के साथ भली भांति काम करने योग्य है या काम पाने योग्य है। यहाँ इस राज्य के जिन हाथों में जो पदों का भार सौंपा है, जो कार्य सौंपा है, उसमें बुद्धि की प्रबलता ही नहीं बल्कि उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता भी आवश्यक है, ऐसा वायसराय कहते हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस, यह इस शासन के धर्म है या मुख्य धर्म है, ऐसा वायसराय ने यहाँ स्पष्ट किया है, जिसका पालन करना बहुत आवश्यक है। अर्थात वायसराय ने श्रीमती रानी विक्टोरिया के राज्य के उद्देश्य, उनका हिंदुस्तान के प्रति लक्ष्य, अपने साम्राज्य को चलाने की नीतियाँ प्रकट की हैं, जिससे हिंदुस्तानी प्रजा है प्रभावित होती है। और आखिर में महारानी विक्टोरिया ने हिंदुस्तानी राजराजेश्वरी के नाम से जो पत्र आता है, वह पत्र जो भेजा गया है, जो पत्र वह पढ़ते हैं, जिसमें रानी ने हिंदुस्तानी प्रजा
के आभार माने हैं, आभार व्यक्त किए हैं, जिन्होंने उनके पुत्र का भारी स्वागत किया। आगे भी ऐसा ही स्नेह बनाए रखने की आशा वह व्यक्त करती है। अपनी इच्छा में वह व्यक्त करती है कि सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होनी चाहिए, यह उनकी एकमेव इच्छा है। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य को महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे। इसके समाप्त होते ही, यानी इस पत्र को पढ़कर समाप्त होते ही एथेम का बाजा बजने लगता है। फिर से सेना ने 3 बार हुर्रे यह शब्द प्रयोग किया है और यह हुर्रे शब्द प्रयोग करते हुए वह अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। सभी राजा सरदार लोग खड़े होकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, जिससे उनकी राज भक्ति जो है प्रकट होती है। इसके बाद श्रीयुत वायसराय अपनी घोषणा करते हैं कि यह जो दरबार है वह यहाँ पर पूर्ण हो चुका, और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर वे अपने खेमे के लिए रवाना होते हैं। अर्थात यहाँ पर दिल्ली का जो दरबार है वह संपन्न हो जाता है। लेखक ने इस पूरे दरबार के माध्यम से इतना ही कहा है कि दरबार का भव्य दिव्य स्वागत, बहुत सारा खर्चा उस पर होता है, बहुत सारे राजे महाराजे लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये सब वहाँ पर आते हैं। कुछ लोग वहाँ अपने मन से आए हैं, कुछ मजबूरी में आए हैं, और कुछ लोगों को वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता, फिर भी बैठते हैं। कुछ लोगों को वह सम्मान अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह सम्मान लेते हैं, और कुछ लोग तो वह वायसराय के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसे लोगों का वर्णन, किस तरह भव्य दिव्य स्वागत, किस तरह बैठने की व्यवस्था पदों के आधार पर होती है, इसका भी वर्णन लेखक ने बहुत ही बारीकी से किया है। हमने उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया है। ठीक है, अभी इस निबंध के जो निष्कर्ष होते हैं वह देखिए कि अंग्रेज सरकार की राजनीति पर करारा व्यंग्य यहाँ लेखक ने किया है। अंग्रेज सरकार का रोब यहाँ इस निबंध के माध्यम से झलकता है। अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, अर्थात जो पत्र पढ़ा गया था वह अंग्रेजी में था। हिंदुस्तानी लोगों को वह कम समझ में आता है, यानी कुछ गिने चुने लोग जो अंग्रेजी तत्कालीन समय में जानते थे उनको ही वह पत्र समझ में आया। हिंदुस्तान की जनता के समझ के बाहर उनकी नीतियाँ, शासन नीतियाँ रही हैं। अंग्रेज सरकार की पोल यहाँ पर भारतेंदु ने अपने निबंध के माध्यम से खोली है। उसके बाद अंग्रेजस्तान और हिंदुस्तान के बीच का यह संबंध कैसा था, यह दरबार कैसा था, इसका वर्णन लेखक ने किया है। विक्टोरिया रानी को इस समारंभ में राजेश्वरी, हिंदुस्तान की राजेश्वरी यह पदवी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह निबंध पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।